हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ एमएस प्लेट। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एमएस प्लेट का वेट निकालना है। सो हम देखते हैं। सो दोस्तों एमएस प्लेट को हम एमएस शीट भी बोलते हैं, एमएस प्लेट को एमएस शीट भी बोलते हैं। दोस्तों हम जो यहाँ पे जो वेट निकालना सीखेंगे, एक मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। सो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक प्लेट का जो हम सीट का एक साइज ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा सीट है हम जस्ट एज्यूम करते हैं वो 1 मीटर लेंथ है हमारा, एंड 1 मीटर हमारा वीट है और लेंथ है। 1 मीटर हमारा लेंथ है एंड 1 मीटर जो है हमारा क्या बोलते हैं वीट है, एंड थिकनेस जो है हमारा वो 6 mm। थिकनेस जो है हमारा 6 mm थिकनेस, जब साइड से आप देखेंगे तो आपको थिकनेस मालूम चलेगा वो हम कितना ले रहे हैं, वो हम 6 mm ले रहे हैं। सो हमने क्या किया, हमने एक प्लेट का जो साइज है एक एज्यूम कर लिया 1 मीटर बाय 1 मीटर एंड थिकनेस उसका 6 mm एज्यूम कर लिया। दोस्तों मैं पहले जो आपको बताऊंगा वो मैं फुल्ली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसका वेट निकाल, देन मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा। सो वेट ऑफ एमएस सीट, दोस्तों वेट ऑफ एमएस सीट निकालने के लिए एक जैसा आप जानते हो, जब भी हम वेट का बात करते हैं तो वेट वॉल्यूम एंड डेंसिटी में एक रिलेशन होता है, जहां पे हम वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वेट ऑफ एमएस स्टील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दोस्तों वॉल्यूम जो है हमें यहां पे जो हमने साइज लिया उसे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एंड डेंसिटी जो है स्टील का डेंसिटी जो होता है वो 7850 kg per cubic meter। स्टील का जो डेंसिटी होता है वो 7850 kg per cubic meter, ये हमारा डेंसिटी है। सो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, एल बी एन टी, एल बी टी, एल हमारा कितना है 1 मीटर हो गया, एंड बी हमारा कितना 1 मीटर हमने ज़ूम किया है, एंड टी जो है हमारा वो 6 mm है। दोस्तों ये जो है हमारा सारा यूनिट वो मीटर में है और ये हमारा एमएम में है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये जो हमारा एमएम है इसको हम क्या करेंगे, एक 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 mm होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। सो हम क्या करेंगे, इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड लिख देंगे। सो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा कितना जाएगा, 0.006 आ जाएगा, 6 divided by 1000, दैट मींस 0.066 मीटर। सो ये हमारा टर्म सब मीटर में आ गया और ये केजी पर क्यूबिक मीटर है, तो ये ओके। नाउ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 × 1 × 0.0006 × 7850। दोस्तों ये जो हमारा आ गया कितना, 47.1 kg। आपको जो है हमने जो एज्यूम किया था 1 मीटर हमारा लेंथ, 1 मीटर वेट एंड 6 mm थिकनेस, उसका हमारा एमएस सीट का वेट कितना गया, 47.1 kg आ गया। दोस्तों ये जो है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लंबा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसके हिसाब से आपको कितना गया, 47.1 kg आ गया। नाउ मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं जिसमें आपको एमएम ये सबको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला वही है, जस्ट सिंप्लीफाई वर्जन है। सो शॉर्टकट, जब भी ऐसा सिचुएशन है और आपको एमएस वॉल्यूम ऑफ एमएस वेट ऑफ एमएस सीट फाइंड करना हो, एमएस सीट, सो दोस्तों आप क्या करो, डायरेक्ट 7.85 इंटू
आपका जो स्ट्रीट होगा उसका डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ मालूम होगा, तो आप क्या करो लेंथ जो है मीटर में ले लो, विड्थ मीटर में ले लो, एंड थिकनेस जो आपका है वो एमएम में ले लो। ये जो है ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जस्ट आपको इसमें याद क्या रखना है, 7.85 याद रखना है, 7.85 आपको याद रखना है, रिमेनिंग जो आपको डायमेंशन है देखिए लेंथ आपको मीटर में, मीटर में एंड थिकनेस आपको एमएम में, सो कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। सो क्या हो जाएगा देखिए हम अभी इसका निकाल, 7.85 एल हमारा कितना था 1 मीटर, विड्थ हमारा कितना था 1 मीटर, और ये कितना 6 हो गया, सो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.885 × 6 47.1 kg। दोस्तों ये जो है आपका शॉर्टकट मेथड आपका ये हो गया, और वो जो लॉन्ग सेम है जस्ट वो जो है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। ये 7.85 क्या है, ये डेंसिटी ऑफ स्टील जो है उसको 1000 से डिवाइड किया गया, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना था 7850 डिवाइड बाय 1000। जब आप इसको डिवाइड कर, ये 1000 कौन सा है दोस्तों, ये जो एमएम था यहाँ पे जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते थे तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, सो इस फॉर्मूले में शॉर्टकट के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया है, तो वो 7.85 हो गया, ये एल मीटर में, विद मीटर में, और टी भी एमएम में हो गया, सो ये शॉर्टकट की तरह काम करता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।